नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वाइन के बारे में। रिसेंटली हमने एक रेस्टोरेंट का जो मेन्यू है कम्प्लीटली रिवैम्प किया था। उनके पास खासकर इंडियन ही डिशेस थी, जैसे नॉर्मली होती हैं, कुछ ही उनके पास कॉन्टिनेंटल डिशेस थी। तो हमने कई सारी नई कॉन्टिनेंटल डिशेस को वहाँ पे डाला और जो वाइन का जो आज तक वो यूज़ नहीं कर रहे थे, वाइन से रिलेटेड भी कुछ वहाँ पे आइटम डाले। तो जो भी लर्निंग्स रही आप लोगों के साथ मैं यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ, ताकि आपको भी वाइन के बारे में थोड़ा पता चले और जो भी शेफ़ है, रेस्टोरेंट के ऑनर हैं, वो भी अपने खाने के अंदर, अपने रेस्टोरेंट्स के अंदर जो वाइन को यूज़ कर पाएँ या उसको नए ढंग से इम्प्लीमेंट कर पाएँ। अगर एक वाइन है और दुनिया का कोई भी खाना अगर लगा लीजिए, अगर सही कॉम्बिनेशन बैठ जाता है तो वो बेस्ट मील होता है। इंडिया में हम लोग पहले दारू पी लेते हैं फिर खाना खाते हैं, बट फ्रेंच में या अगर आप बाकी दुनिया में देखोगे तो जो उनका कल्चर होता है खाने का और वो दारू का या वाइन जिसको हम लोग बोलते हैं, वो साथ साथ ही होता है। और एक परफेक्ट वाइन और एक परफेक्ट खाना आपके लिए एक परफेक्ट हेल्थी मील भी क्रिएट करती हैं। दूसरा, जो भी वाइन्स वगैरह बनती हैं वो अंगूरों से बनती हैं और उनका जो भी टेस्ट होता है, अलग अलग प्रकार की वाइन्स होती हैं, उनका टेस्ट अलग होता है, अरोमा अलग होता है, खुशबू, इवन उनका टेक्स्चर भी बिल्कुल अलग अलग होता है। टेक्स्चर से मतलब है कोई बहुत ही ज़्यादा पतली होगी, थोड़ी कोई गाढ़ी होगी, ठीक है, पीएच लेवल वगैरह सब कुछ होता है, ठीक है। तो ये सब कुछ हम लोग इसमें बात करेंगे। सबसे पहला रूल यहाँ पर जो वाइन का आ जाता है वो है कि भैया, अगर आप वाइट मीट, कोई भी वाइट मीट अगर आप ले रहे हो तो आपको उसके साथ वाइट वाइन ही लेनी है, या फिर अगर आप कोई भी वाइट मीट की कुकिंग कर रहे हो तो आपको वाइट वाइन ही यूज़ करनी है। जो भी मैं रूल बता रहा हूँ एक्चुअली में जस्ट रूल हैं, ज़रूरी नहीं कि आप वैसा ही करो, जस्ट आप इनको एज अ गाइडलाइन भी ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए चिकन ब्रेस्ट है, ठीक है, तो यहाँ पर जो उसके अंदर यूज़ होगा उसके अंदर वाइट वाइन ही यूज़ होगी। इवन अगर मैं कुछ ड्रिंक करना चाहता हूँ उसके साथ तो मैं कोई वाइट वाइन ही उसके ड्रिंक करूँगा, ठीक है। वाइट मीट के अंदर हमारा चिकन हमारा आ जाता है, ठीक है, हमारी जो भी फिश वगैरह वो सारी की सारी इसके अंदर आ जाती है, सी फूड हो गया, लॉबस्टर हो गया, ठीक है, वो सारी की सारी इसके अंदर ही आ जाती हैं। तो ये पहला हमारा रूल हो गया, ठीक है, वाइट मीट के साथ वाइट वाइन। यहाँ पे जो भी वाइन्स होती हैं, जो जितने भी प्रकार की होती हैं, मैं लास्ट में उसके जो कुछ एग्जांपल दे दूंगा, ठीक है, तो वीडियो को आपको लास्ट तक एंड तक जरूर देखना है। इसके बाद दूसरी जो रूल है वो है हमारा रेड वाइन विद रेड मीट, ठीक है। जो भी आप रेड मीट खाएंगे या पकाएंगे, जैसे कि बीफ हो गया, लैम्ब हो गया, ठीक है, हमारे गेम्स हो जाते हैं, रैबिट वगैरह हो गया, या हमारे जैसे ऑफल्स हो जाते हैं, जैसे कि हमारे ऑक्स टंग हो गया, ऑक्स टेल हो गया, ये सारे के सारे आइटम्स, ठीक है, लैम्ब के स्ट्यू हो गया, लैम्ब के डिशेज हो गया, इन सब के अंदर हमको रेड वाइन यूज़ करनी पड़ती है, ठीक है, बनाते समय भी और खाते समय भी, ठीक है। तो आपको ये दूसरा रूल याद रखना है। जैसे अधिकतर आपने देखा होगा हम लोग कोई भी बीफ स्टेक वगैरह देते हैं, टेंडरलाइन स्टेक देते हैं, तो खासकर उसके साथ या तो पेपर सॉस होगा या रेड वाइन सॉस होगा। वो क्यों होता है? क्योंकि उस खाने के अंदर हम लोग रेड वाइन का यूज़ कर रहे होते हैं और जो भी उसके जूसेस बचते हैं उससे ही हम अपना जो जूसली जू ठीक है या सॉस बनाते हैं वो उसी से बनती है। तो यहाँ पे जो रेड वाइन आती है वो हमारे रेड मीट के साथ बिल्कुल एकदम परफेक्ट बैठती है। तीसरा यहाँ पे आ जाते हैं हमारी स्वीट वाइन, ठीक है, और जो स्वीट वाइन वो बिल्कुल परफेक्ट बैठती है किसके साथ? हमारे डिज़र्ट्स के साथ। इवन अगर हम कोई डिज़र्ट्स बना रहे हैं तो हम लोग जो हमारी जो स्वीट वाइन होती हैं, खासकर जो रोज़ वाइन वगैरह होती है, उनका हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं। और यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि भैया कि सिर्फ उसको आपको डिज़र्ट के साथ ही लेना है, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा गया है, ठीक है, आप जस्ट इन सब चीज़ों को गाइडलाइन ही लेंगे। सबसे लास्ट में हमारा आते हैं यहाँ पे शैम्पेन, और शैम्पेन का क्या रूल है? शैम्पेन का रूल है कि भैया आप इसको किसी के भी साथ ले सकते हो। आप अपने जो भी फ्रेंच मील ले रहे हो, ठीक है, एपिटाइज़र ले रहे हो, सैलड, सूप, मेन कोर्स, डिज़र्ट, जो भी ले रहे हो, आप किसी के भी साथ ले, कोई रूल नहीं है, आप शुरू से लेके आखिर तक इसको ले सकते हो। तो यही चार गाइडलाइन थी जो कि आप यूज़ कर सकते हैं अपने लिए, ठीक है, खाना बनाने के लिए अपने रेस्टोरेंट में नई नई डिशेज के साथ, ठीक है। अगर आपने कोई ग्रिल चिकन ब्रेस्ट डाली है तो आप वहाँ पे वाइट वाइन यूज़ करने लग जाइए उसके मैरिनेशन में, उसके सॉस में। अगर आपने कोई लैम का नया स्ट्यू डाल दिया है तो वहाँ पे आप कोई रेड वाइन यूज़ करने लग जाइए। और ये कोई इतनी महंगी भी नहीं होती है, महंगी भी होती हैं, अलग अलग क्वालिटीज़ हैं, अलग अलग प्रकार की क्वालिटी की हैं, अलग अलग कंपनीज़ हैं, डिपेंड करता है, बट चीप रेट में भी मिल जाती हैं। क्योंकि अगर आप कुकिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आप थोड़ी जो अफोर्डेबल है, इकोनॉमिकल है, उन्हीं वाइन को आप यूज़ कीजिएगा, बट यूज़ ज़रूर कीजिएगा क्योंकि जो भी ट्रेंड चल रहे हैं आपको उनके साथ भी रहना है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल यहाँ पे देने वाला हूँ।
होपफुली आपको वाइन के बारे में नई चीज़ें पता चली होंगी, एग्जाम्पल्स पता चले होंगे। इसके अलावा अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है, कमेंट्स है, आप नीचे लिखिएगा, हमें कमेंट कीजिएगा या फिर व्हाट्सएप पे कनेक्ट कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।